हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल पॉइंट ऑफ क्लासेस। जैसे कि आप सभी को बताइए कि हम आपके लिए कुछ ना कुछ मैटर प्रोवाइड कराते रहते हैं। तो आज आपके लिए टॉपिक लाए हैं उत्तम परीक्षण का निर्माण व विशेषताएं। तो उत्तम परीक्षण का मतलब ये है कि अपने कभी भी किसी का टेस्ट लेते हैं या हमारा जब भी कभी टेस्ट होता है टीचिंग एबिलिटी को लेकर, तो उसके बीच में क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए या किस तरह से वो परीक्षण किया जाना चाहिए ताकि जो व्यक्ति है उसका सही ढंग से परीक्षण लिया जा सके और ये देखा जा सके कि जो गोल सेट किए गए हैं उसके अकॉर्डिंग जो व्यक्ति है, जो भी पेपर देने वाला बच्चा है, वो सेट है या नहीं है, मतलब उस चीज़ को वो कर सकता है या नहीं कर सकता। ठीक है, तो इसके बीच में डगलस व होलैंड का क्या मत है वो आप देख सकते हैं। गत वर्षों से शिक्षकों ने विभिन्न विधियों का प्रयोग करके छात्रों की उपलब्धियों का मूल्यांकन करने में प्रगति की है। वस्तुनिष्ठ परीक्षणों का अति कुशलता से प्रयोग किया है, फिर भी उनके मूल्यांकन की विधियों को पूर्णतया निर्दोष नहीं कहा जा सकता, क्योंकि यह तभी संभव है जब वे स्वनिर्मित परीक्षणों का प्रयोग न करके प्रमापे शैक्षिक परीक्षणों को काम में लाएं, क्योंकि इनकी अपनी कुछ निराली विशेषताएं होती हैं। तो इसके बीच में ये कहा गया है कि खुद निर्मित न करके प्रमापीकृत होना चाहिए, कि उसके लिए स्टैंडर्डाइज टेस्ट बनाए जाने चाहिए ताकि सही तरह से मूल्यांकन हो सके। डगलस व ओलैंड ने लिखा है, उत्तम परीक्षण में अनेक विशेषताओं का होना आवश्यक है और ये विशेषताएं प्रत्येक परीक्षण के निर्माण के आधार सिद्धांत हो जाते हैं, आधारभूत सिद्धांत हो जाते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर मेन चीज़ है उत्तम परीक्षण के बारे में कहा गया है कि प्रमापीकृत होना चाहिए तभी सही ढंग से हो सकता है। अब इसकी क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए वो अपने देख लेते हैं। सबसे पहला वैलिडिटी। तो वैलिडिटी का मतलब क्या होता है? वैधता, वैधता का गुण होना चाहिए या विशेषता होती है। इसका अभिप्राय यह होता है कि परीक्षण को बालक की उसी योग्यता की जांच करनी चाहिए जिसके लिए उसे बनाया जा रहा है। मतलब कि अगर आप मान के चलें जैसे टैट होती है, सी टैट होती है, आर टैट होती है, तो ये टीचर की उन एबिलिटीज को चेक करें कि ये टीचर पढ़ाने योग्य है या नहीं है, इसके बीच में टीचर बनने की योग्यता है या नहीं है। उन चीज़ों को अगर वो जांच करता है तो वो वैलिडिटी कहलाती है। उसके बाद में वैधता का अर्थ क्या होता है? वैधता के अर्थ का प्रकाश डालते हुए प्रेसी, रॉबिन्सन व होरेक्स ने लिखा है, परीक्षण में वैधता तभी होती है जब वह वास्तव में उस बात का मापन करे जिसके मापन की उससे आशा की जाती है। इसका मतलब तो आपको बता ही दिया कि अगर टीचिंग एबिलिटी टेस्ट है तो टीचर बनने की योग्यता होनी चाहिए, उसके बारे में परीक्षण लेना ही वैधता कहलाता है। अब वैधता के कुछ प्रकार हैं जिसके बीच में सबसे पहला विषय वस्तु की वैधता। तो विषय वस्तु की वैधता का मतलब यह है कि कंटेंट वैलिडिटी। कंटेंट वैलिडिटी में ये मतलब होता है कि जो चीज़ें बच्चों को पढ़ाई जानी है उसके बारे में टीचर को उसकी नॉलेज है या नहीं है, जो भी पेपर देने के लिए बैठा है, या आप कुछ भी कह सकते हैं कि जिस भी चीज़ का आप टेस्ट ले रहे हैं उसमें वो जो भी वो बनने वाला है उसको आगे जिन भी चीज़ों का यूज़ करना है उनकी उसे नॉलेज है या नहीं है, वो होता है कंटेंट वैलिडिटी। उसके बाद में आता है पूर्व कथन की वैधता, प्रिडिक्टिव वैलिडिटी। मतलब कि क्या है, इस परीक्षण में बालक द्वारा प्राप्त किए गए अंक छात्र के विषय में यह भविष्यवाणी करते हैं कि वह आगे चलकर क्या बनेगा। मतलब कि देखो, अगर एक बच्चे के अच्छे नंबर आए हैं, वो टीचिंग आर टैट का पेपर दे रहा था या टैट का पेपर दे रहा था, अगर उसके अच्छे नंबर आए हैं तो इसका मतलब यह होना चाहिए कि वह आगे भविष्य में जाके अच्छा टीचर बनेगा, मतलब कि बच्चों को अच्छे ढंग से पढ़ा सकेगा और बच्चों को भी भविष्य के अंदर प्रोग्रेस कर सकेगा। तो ये चीज़ होती है पूर्व कथन की वैधता, मतलब कि प्रोडक्टिविटी वैलिडिटी। उसके बाद में आता है निर्माण की वैधता, मतलब कि कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी। तो इसके बीच में ये है कि चाहे उस पेपर को कितने भी बच्चे पेपर दें, ठीक है, तो जो भी बालक द्वारा प्राप्त किए गए अंक हैं उतने ही हैं जितने उसके द्वारा प्राप्त किए गए, मतलब कि उसके बीच में हेर फेर नहीं होनी चाहिए। जो क्वेश्चन के 100% आंसर है वही आने चाहिए, अलग आंसर नहीं आना चाहिए, वो होती है निर्माण की वैधता। उसके बाद में आता है समवर्ती वैधता। समवर्ती वैधता का मतलब ये होता है कि जो भी परीक्षण में बालक द्वारा प्राप्त किए गए अंक उसके चालू कार्यों से सहसंबंध बताते हैं। समवर्ती वैधता का मतलब ये हुआ कि जैसे कोई भी व्यक्ति टीचर बनना चाहता है, ठीक है, तो अगर वो टीचिंग लाइफ में चल रहा है तो उसकी जो लाइफ है उससे रिलेटेड होने चाहिए वो क्वेश्चन, या उसके जो अंक हैं वो उससे थोड़े बहुत संबंधित होने चाहिए। मतलब कि अगर कोई टीचर बनने जा रहा है तो टीचर के हिसाब से उसके अंक आने चाहिए, और कोई फ्री बैठा है तो उसके फ्री के हिसाब से अंक आने चाहिए। मतलब कि जो पढ़ने वाला बच्चा है उसको पढ़ने वाले के अच्छे नंबर आने चाहिए, और जो नहीं पढ़ने वाला उसके नंबर सही नहीं आने चाहिए। उन चीज़ों के बारे में ये समवर्ती वैधता बताता है।
तो ये वैधता के जो भी प्रकार बताए गए हैं ये उपलब्धि परीक्षण के लिए महत्वपूर्ण माने जाते हैं, और इसी की सहायता से छात्रों की उपलब्धियों का मूल्यांकन किया जाता है और उनका श्रेणी विभाजन व वर्गीकरण किया जाता है तथा कक्षा उन्नति की जाती है। उसके बाद में आता है विश्वसनीयता, तो इसका मीन्स होता है रियलिबिलिटी। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि विश्वसनीयता का अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ यह है कि परीक्षण का जब भी प्रयोग किया जाए तब उसके परिणामों में किसी भी प्रकार का अंतर न होकर समानता हो। मतलब कि अगर किसी भी एक बालक ने परीक्षा का पेपर दिया है, चाहे वो एक बार पेपर दे, चाहे 5 बार दे, चाहे 6 बार दे, हर बार क्या होता है कि उस अवधि में उसके ज्ञान में किसी भी प्रकार की वृद्धि ना हो, तो उसे 4 बार समान अंक प्राप्त होने चाहिए। मतलब कि उसका किसी भी तरह से 4 बार टेस्ट ले लें एक ही पेपर का, उसके हर बार सेम पेपर आए, सेम नंबर आए, तो क्या होता है कि अंकों के अंदर अगर परिवर्तन नहीं होता तो उसको हम क्या कहते हैं, विश्वसनीयता कहते हैं। ठीक है, तो इसके बीच में विश्वसनीयता का मेनली अर्थ क्या है, परिमाण की समानता। मतलब कि हर बार रिजल्ट क्या आना चाहिए, समान ही आना चाहिए, तभी वह रिजल्ट सही माना जाता है। उसके आगे देख लेते हैं, जैसे कि कहा गया है विश्वसनीयता उस सीमा का उल्लेख करती है जिस सीमा तक परीक्षण द्वारा प्राप्त मापनों में समानता या स्थिरता रहती है। ठीक है, तो ये तो आपको बता ही दिया कि हमेशा रिजल्ट क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। विश्वसनीयता में वृद्धि करने के उपाय, तो विश्वसनीयता में वृद्धि किस तरह से की जा सकती है इसके बारे में कुछ पॉइंट्स लिखे गए हैं। जैसे परीक्षण लंबा होना चाहिए, पेपर लंबा होना चाहिए, ज़्यादा क्वेश्चन होना चाहिए, उसमें विषय व पाठ्यक्रम की लगभग सभी बातों का समावेश होना चाहिए। मतलब कि जो भी उसके अंदर सब्जेक्ट है, ठीक है, सब्जेक्ट है या उसके बीच में जो भी सिलेबस रखा गया है वो पूरा होना चाहिए, सारे के सारे टॉपिक होने चाहिए। परीक्षण के प्रश्न छोटे होने चाहिए ताकि उनके उत्तर शीघ्रता और सरलता से दिए जा सकें, कि मतलब कि क्या है कि ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट होना चाहिए तो आसानी से बच्चा पेपर दे सकता है या उत्तर दे सकता है। परीक्षण के प्रश्नों की रचना इस प्रकार से की जानी चाहिए कि उत्तर चिन्ह बनाकर संख्या लिखकर या एक दो शब्दों के द्वारा दिए जा सकें, वही होगा वस्तुनिष्ठ प्रश्न हो गए। परीक्षण के प्रश्न ऐसे होने चाहिए जिनके उत्तर या तो निश्चित रूप से सही हो या गलत हो, मतलब कि एक ही उत्तर होना चाहिए, 4 ऑप्शनों में से एक ही उत्तर सही होना चाहिए, बाकी गलत होने चाहिए, इस तरह से क्वेश्चन बनाने चाहिए। परीक्षणों में प्रश्नों की संख्या अधिक होनी चाहिए ताकि अनुमानित उत्तरों के कारण उसकी विश्वसनीयता पर कम प्रभाव पड़े। तो इसमें क्या है कि विश्वसनीयता मेन है ताकि रिजल्ट सेम आए, तो इसलिए क्वेश्चन क्या है ज़्यादा होने चाहिए। ठीक है, इसके पीछे उदाहरण भी दिया हुआ है, वो भी आप पढ़ सकते हैं। परीक्षण का समय, दशाएं और निर्देश बिल्कुल स्पष्ट रूप से अंकित होने चाहिए। एक ही परीक्षण एक ही कक्षा के बालकों को 2 बार देना चाहिए। दोनों बार में परिणामों में जितनी अधिक समानता होगी उतना ही वह अधिक विश्वसनीय होगा। एक ही परीक्षण का 2 समान कक्षाओं या समूहों के बालकों को देना चाहिए ताकि दोनों समूहों के परिणामों में जितनी अधिक समानता होगी तो परीक्षण उतना ही अधिक विश्वसनीय होगा। तो समूह पे भी यह लागू होता है और 2 व्यक्तियों पे एक बार में ही भी लागू होता है। उसके बाद में आता है व्यवहारिकता, तो इसका मतलब है प्रैक्टिबिलिटी। तो उत्तम परीक्षण में व्यवहारिकता होनी चाहिए क्योंकि इसका अर्थ यह होता है कि परीक्षण के लिए विशेष प्रशिक्षण प्राप्त व्यक्ति, विशेष तैयारी और सामग्री और वह अधिक समय की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें प्रयोग में किसी भी प्रकार की कठिनाई नहीं होती है, तो ये तो नॉर्मल सी बात है, व्यवहारिकता होनी चाहिए कोई भी अगर टेस्ट होता है तो। उसके बाद में निश्चित उद्देश्य है, मतलब कि अगर आपने कोई भी पेपर लिया है तो वो एक निश्चित उद्देश्य के लिए होना चाहिए। अगर आप आर टेट ले रहे हैं, सी टेट ले रहे हैं, कोई भी टेट ले रहे हैं, तो उसका मेन उद्देश्य क्या होना चाहिए कि व्यक्ति टीचर बने, यही होनी चाहिए। उसके बाद में सरलता, तो इसमें सरलता का गुण होना चाहिए। इसके बीच में निर्देश अंक देने की विधियाँ इतनी सरल होनी चाहिए कि एक क्वेश्चन सही है तो एक क्वेश्चन का 1 नंबर, और गलती आने की कोई भी आशंका नहीं होनी चाहिए। मतलब कि जो भी आप नंबर नंबर देते हो उसमें कोई भी गलतियाँ नहीं आनी चाहिए। उसके बाद में वस्तुनिष्ठता, ये तो आपको बता ही दिया। सब्जेक्टिविटी होनी चाहिए जिसके बीच में क्या है कि ऑब्जेक्टिव टाइप होनी चाहिए और उसकी अंक तालिका भी सहायता देती है अंक देने में। उसके बाद में व्यापकता, तो इसकी व्यापकता भी होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? क्योंकि इससे योग्यता का माप किया जाता है। इसके सभी पहलुओं से संबंधित प्रश्न होने चाहिए। ऐसा कोई भी महत्वपूर्ण पहलू नहीं होता जिस पर प्रश्न ना हो, और परीक्षण एकांगी ना होकर व्यापक होना चाहिए। मतलब कि व्यापक का मतलब यह है कि जितने भी टॉपिक्स दिए हैं उन सारों से रिलेटेड होना चाहिए, कुछ ना कुछ और अलग नहीं होना चाहिए। रोचकता, तो रोचकता होनी चाहिए ताकि बच्चा उसे करने में भी अपना इंटरेस्ट दिखाए। अगर बच्चे को कुछ नहीं आता तो वो अपने कुछ नहीं कह सकते हैं। उसके बाद में मितव्ययता, तो मितव्ययता का मतलब यह है कि विशेष यंत्र या सामग्री की आवश्यकता न होने के कारण व्यय का कोई प्रश्न नहीं उठता। बालक कागज पर छपे हुए प्रश्नों के उत्तर पेंसिल और कलम से उत्तर दे सकते, तो मितव्ययता होगी। ठीक है,
सुविधा सुविधा तो ये कहते हैं कि उत्तम परीक्षण सुविधाजनक होनी चाहिए। इसका तात्पर्य है कि विशेष व्यवस्था की आवश्यकता नहीं होती है, कम स्थान पर कम समय में अधिक से अधिक बालकों का टेस्ट लिया जा सकता है। विभेदीकरण, तो इसका मतलब ये है कि जो प्रतिभाशाली है वो तो ज़्यादा नंबरों से पास होगा, और जो मंद बुद्धि वाला बच्चा है उसके अंदर भी अंतर हो सके, क्योंकि कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो जटिल होते हैं और कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो नॉर्मल बालक भी कर सकता है, मंद बुद्धि बालक भी कर सकता है और प्रतिभाशाली भी कर सकता है। तो इससे क्या होता है कि उनकी जो श्रेणी विभाजन है वो बना रह सकता है। उसके बाद में आता है प्रमापित, तो ये तो मैंने आपको बता दिया, स्टैंडर्डाइज होने चाहिए जिसके कारण जो भी विधि है उसके हिसाब से अंक प्रदान किया जा सके। उसके बाद में आता है सामान्य स्तर, तो इसके बीच में सामान्य स्तर होना चाहिए किस तरह से, बालकों की किस योग्यता में किस स्तर के होने की आशा की जा सकती है। तो बालक की मानसिक आयु इस स्तर से कम है या अधिक है या बराबर है उसको भी चेक किया जाता है। कठिनाई का क्रम, तो इसमें क्या होता है कि पहले आसान से क्वेश्चन आने चाहिए, फिर धीरे 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 जटिल क्वेश्चन होते जाना चाहिए, ताकि बच्चे को भी लगे कि पेपर थोड़ा हार्ड है या पेपर मंद बुद्धि और प्रतिभाशाली के बीच में डिफरेंसेस ला सकता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।